ये बुक देखिए, ये व्हाट्सअप ग्रुप पर और फेसबुक पे हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाती है, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं ये बुक कहाँ मिलेगी, किसकी बुक है, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है या हमसे जो हमारे व्यूअर है, हमारा पढ़ रहा है, हमारी बुक देख रहा है, उस बुक में उसको क्या नया लगता है या उसको क्या ऐड करना चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए। मैंने इवन देन मैडम को भी कहा था, हमने उन सबको रिक्वेस्ट किया है अपने फेसबुक ग्रुप पे कि आप लोग हमसे जुड़िए और उनका मार्गदर्शन करिए जिनको वास्तविक इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, मैडम को भी बहुत सारा प्रचार पता होगा, लोग करते हैं कि हम लेट हो जाएंगे या कि दिक्कत होगी, तो जो रिमोट एरिया में बैठे हैं अगर उनको कोई चीज़ अगर अच्छी मिल जाती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, सपोज दैट मैडम की बुक पढ़ते हैं आप या हमारी बुक पढ़ते हैं, उसमें अगर आपको लगता है, उसमें जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ नई है, कोई भी नया वर्ड आया, क्या बताइए क्या करते हैं उसके लिए आप? फिर एक वर्ड देता हूँ मैं, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर, क्या करते हैं उसके लिए आप? हैं गूगल करके क्या करते हैं, होता क्या है इम्पैक्ट फैक्टर, कैसे पता चलेगा क्या होता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, मतलब सपोज डेट उसमें नीचे दिया है ये इम्पैक्ट फैक्टर की ये पार्ट है, तो हम इम्पैक्ट फैक्टर को अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे अलग से? हैं ठीक है, अगर इन केस वो बुक में नहीं है फिर बहुत सही, बिल्कुल रास्ता आपका सही है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, उस बोर्ड को उठाएंगे और गूगल पर डालेंगे। इन केस अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देता, जो आपके समझ में नहीं आती है, तब उसके आगे लिख देंगे EN विकिपीडिया, क्या करेंगे? और EN विकिपीडिया क्या करता है, EN विकिपीडिया हमेशा ये करता है कि उसमें बहुत सारे सोशलिस्ट जुड़े हुए हैं, सोशल मतलब जैसे मैम हैं, सर हैं, इनमें क्या करता है, इनको जो भी जब पढ़ते हैं ये बैठ करके, ये खुद ही पढ़ते हैं, पूछना कभी, ये रात में पेज लैपटॉप, आपको लगता है कि ये बिल्कुल कपड़े पहने घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करना होता है, ये क्या करते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए रात में बहुत स्टडी करते हैं, ये कम से कम 10-12 पेज डेली पढ़ के तभी सोते होंगे रात में, क्योंकि इनका मन नहीं मानेगा, क्योंकि कल को नए नए क्वेश्चन आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। इवन देन मैडम इस उम्र में भी, मतलब इस एज में लाकर, इस मतलब जहाँ परिवार से निकल के लोग कहते हैं अब तो शांति मिलेगी, और वो इतनी मेहनत आपके साथ कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है उनके अंदर है कि आप कहीं ना कहीं पहुँचो, उनका एम यही है, ठीक है ना, उनका एम यही है, उस एम को हमें पूरा करना है और उस टारगेट को हिट करना है जो आपने बनाया है या मैम ने बनाया है, इस एकेडमी ने बनाया है, तो हमें क्या करना है, मेक द टारगेट एंड हिट द टारगेट। उसको करने के लिए वो मैंने आपको बताया ना, क्या आपको सारा लेना है उसका, इन्होंने बताया उसको गूगल पे जाएंगे देखेंगे, नहीं उसमें थोड़ी चीज़ें हम करेक्शन करते हैं हल्की, क्या करेंगे उसमें, हम उसको क्या करेंगे, उसके अपनी भाषा में उसके बारे में 4-5-6 लाइनें लिखेंगे। कितने लिखेंगे, एक तो वो वर्ड है क्या, कहाँ यूज होता है और कैसे इसका अपडेशन हमें हमेशा मिलता रहेगा, उसमें लिखेंगे, और हमने कहाँ से पढ़ा, एक हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें उसका सोर्स पता होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था तो कहाँ से पढ़ा था, कई बार होता है ना डायरी पलटते हैं बाद में पता ही नहीं चलता हमने कहाँ से लिख लिया था ये, तो हम उसका सोर्स भी लिखेंगे क्योंकि हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए लाइब्रेरी साइंस में देखा होगा एक सीक्रेट पेज होता है बुक का, कभी लाइब्रेरी गए किसी को, मैडम ने पढ़ाया होगा 100% बताया ना, बुक में एक सीक्रेट पेज होता है, वो सीक्रेट पेज अगर किसी से भी पूछेंगे पूरे इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी के अलावा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाइब्रेरी ने ही डिसाइड करता है कि उसको कहाँ ऐड करना है कहाँ नहीं करना है। इसी तरह की कुछ फाइलें होती हैं जो लाइब्रेरी के पास होती हैं, सपोज जैसे हमें क्या करना, सोशल इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट को मर्ज किया है, हमने उसको UDC से नंबर बनाया है, प्लस करके उसको ऐड करके छोड़ दिया है, लेकिन जो बाहर वाला आएगा ना उसे नहीं पता किसी को, ये किसको पता है, सिर्फ लाइब्रेरी को पता है, तो उसकी एक सीक्रेट पेज होता है और सीक्रेट फाइल होती है लाइब्रेरी की। तो जब हम सीक्रेसी में चलते हैं, ये चीज़ें जोड़ते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं, तो ये चीज़ें सब अपने लाइफ में जुड़ती हैं, कैसे जुड़ती हैं,
मैंने एग्जाम्पल दिया आपको इम्पैक्ट फैक्टर, जब इम्पैक्ट फैक्टर आपने पढ़ा आपने देखा, अब वहाँ एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी जो बेसिकली मेरे साथ भी आती है, मुझे भी नहीं आती अंग्रेजी, ठीक है ना। अगर इन केस उसमें नहीं आती, आप दो बगल में जाइए, गूगल खोलिए, गूगल खोलने के बाद राइट साइड में कई पॉइंट ऐसे बने होते हैं, 6-7-8 देखिए आपने, देखिए देखिए ना, उस पर क्लिक करिए, उसमें प्ले स्टोर होगा और भी होंगे, उसमें एक होगा गूगल ट्रांसलेटर, देखा आपने, ऐप भी आता है मोबाइल में है, ठीक है ना, उसको उठाइए वहाँ से, वहाँ से कॉपी करिए एक लाइन सिंगल लाइन, और उसको उठा करके जैसे भी ट्रांसलेट करता है, आप मुझे इतना विश्वास है कि इतना समझ जाएंगे कि उसने क्या कहना चाह रहा है ये उसको, हाँ उसकी अपनी भाषा में उसके 4-5-6-7 लगता है तो आधा पेज उसको नोट करिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को, उस सब्जेक्ट के बारे में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। मैडम का एक वीडियो देखा था, उसमें प्रिंटर पढ़ा रही थी मैडम, आपको पता है प्रिंटर कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मैडम ने पूरी हिस्ट्री बताई, इसके बाद क्या क्या अपडेशन आते चले गए, आज आपका फर्ज बनता है उसके आगे की हिस्ट्री आप बताएं या हम बताएं, क्यों बनता है, क्योंकि अब ये जो डिलीवर्ड कर रहे हैं उसमें ऐड करने का काम हमारा है, मैडम का नहीं है, अब समझ रहे, नहीं समझ रहे आप, तो इसलिए हमारा क्या दायित्व है क्या नहीं है ये हमें डिसाइड करना है, फिर हम वहीं अब आ जाते हैं कि मेक द टारगेट और हिट द टारगेट। तो इससे क्या होगा हमारा बताओ, जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं हम, यही तो इसलिए तो पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं ना, कि और किसी के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक वर्ड और हमने सुना है सब लोगों से, हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि दुनिया में हमारे अलावा मेरा कोई भला नहीं कर सकता, कभी किसी ने सुना ये वर्ड है, अक्सर बोलते हैं लोग, आपने सुना है कि अपने अलावा कोई दूसरी दुनिया में भला नहीं कर सकता है, भला करने का तरीका यही है, मैम पढ़ाती हैं, आपने घर जाके स्टडी की, कुछ भी ये लगा तो आपने मैम को फ़ोन करके बोला मैम थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ये बता दो, या अगले दिन क्लास में आके क्लैरिफाई किया, तो हम इसको अगर इंटरकनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो मार्गदर्शन रास्ता हमारा है ना वो सही दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं हम रास्ता भटक गए कहीं गलत जगह ले आए, आपको सही आ रहे हैं हम लोग। मैडम मैंने पहले ही बोल दिया था, मैडम पढ़ाती हैं आपको, एकेडमी वाले जितना अच्छा बेस्ट कर सकते हैं आपको कर रहे हैं, लेकिन आज हम सब्जेक्ट बात नहीं कर रहे, हम सब्जेक्ट को हम टारगेट को कैसे हिट करेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो आप उस वर्ड को उठाइए, एक शब्द और आता है आपने सुना हो, मैडम ने बताया हो, करंट में आ रहा है प्लगरिज्म, प्लगरिज्म एक शब्द आता है, अधिकतर पुराने जो नए पेपर आते हैं अच्छे पेपर जैसे MP का हुआ था और भी पेपर एग्जाम हुए हैं उसमें आता है एक प्लगरिज्म शब्द, उसमें नीचे ऑप्शन होते हैं कि इसका एक सोर्स बताइए जिससे हैं, ये मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत क्या आवाज़ की तेज की, एक वर्ड आता है प्लगरिज्म और प्लगरिज्म अगर अलग बढ़ गए, प्लग रिज्म उसका हिंदी वर्ड होता है साहित्यिक चोरी। तो ये इस तरह के जब टूल्स डेवलप होने लगे हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये टूल्स क्यों डेवलप किए जाते हैं, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके बारे में है क्या, तो हम नोट करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी है यहाँ जाकर के, अलग अलग इन द सेंस